हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुड फील में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हेल्दी गाजर की स्वादिष्ट मिठाई लड्डू। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपको एक बार इसे आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम मार्केट स्टाइल बने हैं ये। और आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो मेरा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो गाजर की ये स्वादिष्ट टेस्टी मिठाई बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये 250 ग्राम गाजर लिए हैं, कैरोट, और इसको मैंने धो लिया है। और धोने के बाद में हमें इसे करना है, पहले छील लेना है। तो इस तरह से हम इसे छील लेंगे और छीलने के बाद इसको हम इस वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। ये छोटा वाला है, इसके होल बारीक होते हैं, इस वाला लिया है। आपके पास बड़ा वाला है तो आप उसे भी ग्रेट कर सकते हो। तो इस गाजर को छीलने के बाद में हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो दोनों गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है और गाजर ग्रेट होकर रेडी है। और साथ में मैंने कुछ सामान भी लिया है, आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लिया है, ये कोकोनट लिया है, कोकोनट पाउडर, ये मैंने घर पे ही मिक्सी में डाल के इसे ग्रेट किया है। और ये लिया है मैंने सूजी स्मोलिना। आपके पास बारीक वाली है या मोटी वाली, आप कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हो। एक कटोरी ली है मैंने ये शुगर चीनी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसे कर सकते हो। और ये ताज़ा मलाई ली है मैंने, दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है वो ली है मैंने ताज़ा, आधा कटोरी। एक चम्मच लिया है मैंने ये देसी घी, और साथ ही लिया है मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम लिए हैं 5-6, काजू लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश ली हैं, थोड़े से ये पिस्ता लिए हैं। आपके पास अगर ये नहीं है ड्राई फ्रूट्स तो आप इसे स्किप कर दीजिए। साथ ही थोड़ा सा मैं 5-6 हरी इलायची का ये पाउडर लिया है, थोड़ा सा दरदरा इसको पीस लिया है। जो अगर मिठाई बना रहे हो, मिठाई में अगर आप इलायची पाउडर डालते हो, इलायची यूज़ करते हो, तो उस मिठाई का टेस्ट जस्ट डबल हो जाता है। तो बस सबसे पहले हमें क्या करना है, गैस करेंगे चालू। तो गैस मैंने चालू कर दिया है, इस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में डालेंगे ये 1 चम्मच मैंने घी लिया था, तो घी को पहले हम मेल्ट होने देंगे। और इस घी के अंदर अब डालेंगे हम ये सूजी सिमोलना। सूजी मैंने डाल दी है, सूजी को डालने के बाद में हम इसे भूनेंगे मीडियम और लो फ्लेम पर, धीरे धीरे से भूनेंगे जब तक कि अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती है। और इसका जो कलर है वो हल्का गोल्डन होना चाहिए, ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है। तो बस इसे भून लेते हैं लगातार चलाते हुए। तो 5-6 मिनट हो गए हैं लगातार इसे भूनते हुए, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, हल्का गोल्डन कलर इसमें आ चुका है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये कोकोनट का जो बुरादा था वो डाल देते हैं और इसको भी भून लेते हैं, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा मैंने घी यूज़ किया है तो ये कोकोनट पाउडर भी अच्छे से इसमें भुन जाएगा। तो गैस बिल्कुल मीडियम और लो ही रखनी है। तो 3-4 मिनट हो गए हैं, कोकोनट के अंदर भी बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, बिल्कुल दोनों परफेक्ट पक के रेडी हैं, अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेट की हुई ये कैरोट, गाजर डाल देते हैं और इसको डालने के बाद में हमें इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, और साथ ही अब इसमें मिक्स करने के बाद में मैं इसमें डालूंगी ये जो मैंने मलाई ली थी, इस मलाई को भी इसमें डाल देना है। और इस सबको डालने के बाद में करेंगे मिक्स। तो और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे गाजर को इस मलाई के साथ ही पकने देंगे। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में मैंने ये 2-3 मिनट हो गए हैं, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे ये शुगर, क्योंकि शुगर डालने के बाद में इसमें थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा और उससे हमें आसानी मिलेगी इस गाजर को पकने में। तो पहले इस चीनी को इस गाजर के अंदर ही मेल्ट होने देंगे। तो आप देख सकते हैं चीनी जैसे ही घुलती जा रही है, ये थोड़ा सा गीला होता जा रहा है, और इसे बस पकते रहना है, इस तरह से चलाते रहेंगे और बिल्कुल मीडियम गैस पर इसे
जब तक कि हमारी जो गाजर का जो कच्चापन है, जो उसका रॉ फ्लेवर है, वो अच्छे से अच्छी खुशबू नहीं आनी स्टार्ट हो जाती, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। तो बस इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे थोड़ा सा ड्राई होने देंगे लड्डू, जिससे हमारे आराम से बन सकें। तो 6-7 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे इस तरह से चलाते हुए पका लिया है। गाजर का जो कच्चापन था बिल्कुल निकल गया है, गाजर अच्छे से पक चुकी है। और इसको करने के बाद में हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो काजू डालेंगे, थोड़े से किशमिश डाल देंगे, बादाम डालेंगे और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा ये पिस्ता, और साथ ही डाल देंगे ये थोड़ा सा मैंने इलायची, हरी इलायची का दरदरा सा पाउडर बनाया था, इसे भी डाल देंगे। और इसको डालने के बाद में हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पकाएंगे। तो 5-6 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। बस आप देख सकते हैं बिल्कुल तला छोड़ने लगा है, तला बिल्कुल भी नहीं पकड़ रहा है, तला बिल्कुल छोड़ने लगा है। तो बस लड्डुओं का जो मिठाई का जो मैंने ये पेस्ट बनाया है बिल्कुल परफेक्ट है। तो गैस बंद करेंगे, गैस मैंने बंद कर दिया है और इसे अब एक प्लेट में निकालेंगे ठंडा होने के लिए। तो पहले इसे ठंडा कर लेंगे, एक प्लेट में पलटेंगे इसे। तो मैंने एक प्लेट ले लिया है और इसमें इसे पलट लेंगे। तो मैंने इसे एक प्लेट में पलट लिया है और पहले हम इसे हल्का ठंडा होने देंगे, हाथ से छूने लायक हो जाए तब हम इसके बनाएंगे लड्डू। तो 5-6 मिनट हो गए हैं, हल्का सा ये ठंडा हो गया है और अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। तो मैंने एक डिब्बा लिया है और इसमें हम लड्डू बना के रखेंगे। तो लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अपनी चॉइस के अनुसार आप छोटे बड़े लड्डू बना सकते हो। तो देखिए आपको दिखाती हूँ, इस तरह से हम इसके सारे लड्डू बनाएंगे। तो इसके हम इस तरह से लड्डू बनाएंगे और देखिए बहुत ही बढ़िया लड्डू बने हैं। और सारे लड्डू इसी प्रोसेस से बना के रेडी कर लेंगे। तो सारे लड्डू हो गए हैं बनके एकदम रेडी, आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया लड्डू बने हैं। और आप इन्हें एक बार जरूर बनाइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इस तरह के लड्डू आप बना के रख सकते हो पूरे 15 से 20 दिन तक, इसे आराम से खाइए, एंजॉय कीजिए, बच्चों को खिलाइए, अपने चाहने वालों के लिए बनाइए। बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये लड्डू और इसमें ज़्यादा भी सामग्री नहीं मैंने इसमें डाली है, बहुत ही आसान तरीका आज सबको बताया है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।